अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वाले, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए, क्या कोई बेहतरी आई है, कोई फ़र्क पड़ा है, कोई महंगाई में कमी आई है या सिर्फ बातें हैं? सिर्फ मैं इतनी तारीफ तो करूँगा, पहले भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन जो हालात मुल्क के देख रहे हैं ना हम, तो वो लोग नहीं मानते, मैं अकेला क्या करूँगा। जो भी लोग ऐसे आंसू बहा रहे हैं कि इनको तो चाहिए ना, खुद ही आए हैं ना, वैसे वो क्या ईरान का हिसाब कर लें, ईरान का कभी खमीनी आया था, उसने ऐसे ऐसे किया था, किस किस को मारा था, किस किस को पकड़ा था। अब वो तरक्की में हैं, हम तरक्की में थे कभी जब बटो था, अब हम नीचे जा रहे हैं, ना कोई रोटी पूरी हो रही है, ना बच्चों का खर्चा पूरा हो रहा है, ना कोई दवाई आ रही है, ना किसी का। वैसे ही गरीब आदमी को तो वैसे एक एक गोली देकर इनको चाहिए मार देना। ये एक चीज़ सस्ती करने से कोई जुश नहीं होता कि हमने आटा सस्ता कर दिया तो बाकी मेरे अब्बे ने करना, बाकी किसने करना है मुझे पहले बताएं, यही सवाल मुझे दें। आटा तो लोग खा रहे थे, अब भी 30 रुपए की रोटी खा रहे हैं, सस्ती रोटी नहीं हुई? नहीं हुई रोटी, सस्ती नहीं हुई। वो कहते हैं आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा आटा। मैंने आज तक अपने सौदे में वो आटा इस्तेमाल किया ही नहीं, वो काबिले इस्तेमाल ही नहीं है ना, वो काबिले क्या, बच्चों को वैसे ही बीमार कर रहे हैं। हमने तो सारी उम्र देखा आटा, हम तो कनक का आटा लाते हैं स्पेशल, अच्छा जो महंगा, वो बच्चों अपने को खिलाते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो क्या करेगा, वो तो पिसल रहा है। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक तोले का फ़र्क नहीं पड़ा। लोग अब ईद गई है ना, अब ये आधे लोग मर जाएंगे, मर जाएंगे, कैसे मरेंगे, जब बिल आएगा। इस पाकिस्तान में क्या करना है, क्या करना पाकिस्तान में इन लोगों को लाकर? तो आगे से कहते हैं कि आप वजीर आजम ढूंढेंगे। ओए अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे बच्चे पैदा किए ने कि जेडे सियासत के उत्ते अगे चले गए ने। मैं अपना तारफ आपको नहीं करवाता, दुनिया जानती है मुझे, लेकिन मैं रौला डाल रहा हूँ कि ये जो एक तारफ होता है ना, मैं एक फिल्म स्टार हूँ, कैमरे के आगे बोलने का किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मुझे नवाज शरीफ की जगह पे बिठाएं और पुलिस को भी सीधा कर दे और मैं 3 महीने में मुल्क बनाकर दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह ताला 3 महीने में, एक दिन भी ऊपर नहीं होगा।